एठी अदालत अवमानना माने अदालत को असम्मान कथा उठिबा बळे मो सरकार कार्यक्रम रे लोक प्रतिनिधि मानंकु असम्मान करा जाउथबा माने गुरुत्व दिया जाउ नथिबा कथा उठुछि। मो सरकार कार्यक्रम को सफल करबा पई 5T टीम जेबळे घन घन विभिन्न जिला गस्त करुछन्ति ऑन द स्पॉट एक्शन नउछन्ति एथिरे चुप त अछन्ति हेले गोटे गोष्ठी निजकु अवहेलित अपमानित माने करुछन्ति। विरोधी त एहाकु एक प्रसंग करि सरकारंकु घेरिछन्ति। मो सरकार योजना को सफल करिबा लागि टीम वर्क टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफॉर्मेशन एवं टाइम लिमिट मध्यरे काम शेष करिबा को लोकंक उपयुक्त सेवा जगाई देबा को लोकंक मन जणिबा को ग्राउंड जीरो रे 5T टीम खास एथि पई उपकूल रूपांतर विभिन्न अंचल को 5T टीम घन घन गस्त करुछन्ति ऑन द स्पॉट समस्यार समाधान करुछन्ति जोंठी दरकार पड़ुछि कार्यानुष्ठान भी नेउछन्ति। मो सरकार कार्यकारिता को अनुधान करुथिबा 5T टीम मंगलवार पहुँचिथिला केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय प्रसूति विभाग महिला और शिशु विभाग शल्य चिकित्सा विभाग आदि बुली देखिबा सह रोगी मानक सहित कथा होइथिले सेमानकर आपत्ति अभियोग बुझिथिले 5T टीम जिला मुख्य चिकित्सालय परिदर्शन करिबा परे टीम महाप्रभु श्री बलदेव जीवंकर दर्शन मध्य करिथिले परे श्यामगुड़िया ठारे निर्माणाधीन हॉस्पिटल रे पहुंची कार्यर अग्रगति नहीं समीक्षा करिथिले। 2020 मसीहा मार्च प्रथम सप्ताह सुधा केन्द्रापड़ा हॉस्पिटल रो जेकोनसी गोटिया यूनिट कार्यक्षम करिबा पई टीम जिला प्रशासन को निर्देश देछि। रैंडमली बुली छंती सब पेशेंट मानक संगे कथा है छंती कि से मानकर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मो सरकार उपरे और जो सर्विसेज प्रोवाइड करा होची हॉस्पिटल रु ए सब जिनसे उपरे कई तांकू प्राइवेट क्लिनिक पठाउ छंती कि कई तांकू माने हैरान करू छंती कि लांज नि आउ छी कि ए सब जिनसे उपरे से फीडबैक नै छंती। 5T सचिव आज जाई करी जतेबले वार्ड इंस्पेक्शन करूथिले इंडोर रे मते बाहर रखि दैथिले आपण माने जेउ प्रश्न उडी को जानिबा उत्तर जानिबा चाहौ छंती मु त भितरे रहिनी तेनु कहि परबिनी तबे रोगी मानंकर भलो मंद खाइबा मेडिसिन आउ डाक्टर को बिहेवियर स्टाफ मन को बिहेवियर से केमती एठी रही परबन स्वच्छंद रे रही परछन बते ई बले प्रश्न एक्चुअली गाइडलाइन रे थिला से गुडा सब गोटिए पटे 5T टीम रे एभली माराथन गस्त जारी रहितबा बले एहाकू भिन्न दृष्टि रे देखुछंती विरोधी। 5T टीम रो जिला गस्त एवं मो सरकार कार्यक्रम उपरे प्रश्न उठाइछि बीजेपी एही अभियान रे काहे कि मंत्री मानकू शामिल करा जाउ नाही कहीं कि विभागीय सचिवों को सामिल करा जाऊ ना कहीं कि स्थानीय लोकप्रतिनिधि को विश्वास को निया जाऊ ना ए समस्त को बाईपास करी केवल 5T टीम को कहीं कि सरकार विश्वास को नेउछंती कहार भावमूर्ति सजाड़ीबा को सरकार एभली काम करुछंती बोली प्रश्न करिछि बीजेपी। सरकार स्वास्थ्य केन्द्र भित्तिभूमि न सजाड़ी केवल राजनीतिक स्टंट देखाउछंती बोली बीजेपी अभियोग करिछि। सेहिपरि कांग्रेस मध्य समान कथा बखाणी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य स्थान जातीय स्तर में तळकु तळकु खसिबारे लागिछि। नीति आयोगकर तथ्य अनुजाई शिशु मृत्यु हार मातृ मृत्यु हार रोग निराकरण रे राज्यर स्थिति भल नुहे। अनेक स्थान रे डाक्तरखाना अछि हेले डाक्तर नाहंती सरंजाम नाही बिजुली नाही केवल मंत्री को क्षमता संकुचित करिबा पई एभली काम चालिछि बोली कांग्रेस अभियोग करिछि। सेपटे शासक दलर कहिबा कथा केवल राजनीतिकरण करिबा पई एभली अभियोग आणुछन्ति विरोधी। सेठी जो अंचल गस्त कर स्वास्थ्य सचिव नहांती स्वास्थ्य मंत्री नहांती से अंचल विधायक नहांती ये तो निश्चित रूपे जो माने जनप्रतिनिधि से माने जो सांगे रहूना गस्त हो जहाँ गणमाध्यम आम देखु ये कौन क्या भावमूर्ति बढ़ेवाई ये मो सरकार योजना 5T सचिव गस्त ये गोटे प्रश्नवाची राज्यवासी मनरे से केवल जाउचंती मंत्री मानकर क्षमता को संकुचित करवा किसी क्षमता ना ऑफिसर माने लोक मानकर गोटाए पक्षरे कहिले पैसा दियागला गोटाए पक्षरे सांगे सांगे पनिशमेंट नियागला सुंदरगढ़ एटा है मलकानगिरी आ तीन टाक जिले से अर्थात से ही हूँ क्षमताशाड़ी से चाहिए देवे से चाहिए तुमको विपद टाणिक पकेबे मो सरकार 5T गोटे मेन कार्यक्रम 5T सेक्रेटरी अच्छा किंतु कार्यक्रम को न देखी कौन भूल है न देखी कौन सरकार लोकों पर कि पदक्षेप देले सेटा न देखी लोकों रेस्पन्स न देखी
ଆପଣ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାନା ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 5 ଟିମ୍ 15 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଭିତରେ ଢେର ଫରକ ରହିଛି, ଏକଥା ହୁଏତ ବୁଝେଇ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି।